हर हर महादेव। वेट कर रहे जाने का। ये एक बात सच्ची बताऊं, एकदम सच बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे को फिलहाल रोना आ रहा है। और क्यों आज जी, क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोग हमारे नए ब्लॉग में। तो गाइस आज है भाई हमारा केदारनाथ यात्रा का चौथा दिन, और आज हम लोग हैं भाई केदारनाथ, जहाँ पर केदारनाथ धाम है, मंदिर है, और आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में दर्शन भी कर लिए होंगे। तो भाई आज मैं आपको केदारनाथ घाटी घुमाने वाला हूँ, केदारनाथ घाटी पूरी घाटी घुमाने वाला हूँ। देन हम लोग चलेंगे आज जो मंदिर है ना, कौन सा मंदिर है भाई ऊपर जाके, भैरव जी का मंदिर, भैरव जी का मंदिर भी चलेंगे, और वहाँ से आप लोगों को पूरा सीन दिखाऊंगा केदारनाथ जी का। तो स्टार्ट करता हूँ ब्लॉग आज का। यहाँ पर आने के बाद है ना, हमको मिले भाई हमारे नाम के सचिन भैया यहाँ पर है, और काफ़ी ज़्यादा मजा आ गया। मतलब भैया हमको पहचानते हैं, ये सबसे ज़्यादा मेरे को बहुत बड़ी खुशी बात लगी। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं भाई भैरव जी के मंदिर। भैया भैरव जी के मंदिर जाके आते हैं। और भैया की दुकान है ना, आप लोग मंदिर के सामने आओ, तो मंदिर के बिल्कुल सामने है भैया की दुकान, तो भैया के पास ज़रूर आके जाना है। चलो चलते हैं। सो गाइस एक बार फिर से जन्नत का दर्शन कर लो आप भाई, साथ साथ जन्नत है। और पीछे की पहाड़ देखो आप लोग, बिल्कुल बर्फ़ से ढकी हुई है, एकदम वाइट वाइट, पूरी पहाड़ी वाइट वाइट हो रखी है। तो भाई यहाँ पर आने के बाद जो जन्नत का सुकून मिलता है ना भाई, वो कहीं भी नहीं मिलता। कहीं भी चल जाओ आप, कहीं भी दुनिया में कहीं भी चल जाओ, बट ये जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो आप लोग फिर से दर्शन कर लो, उसके बाद हम लोग चलते हैं ऊपर, उधर चलते हैं, और वहाँ से भी पूरी केदारनाथ घाटी दिख जाती है, तो वहाँ से दिखाता हूँ आप लोगों को। आप ये बताए, यहाँ का टेम्परेचर -2 degrees है यहाँ पर, और रात का टेम्परेचर था भाई -7 degrees। आप लोग देख सकते हैं भाई -7 degrees में क्या हाल होता है। तो मैं भी बैक साइड में हूँ यहाँ पर, मंदिर के बैक साइड में, और यहाँ पर रखी है भाई हमारी जो मंदिर की रक्षा करती है हमेशा, मतलब रक्षा भी किया 2013 में भीमशिला। तो भाई इसको भीमशिला के नाम से जाना जाता है। जो बाढ़ आई थी यहाँ पर, और ऊपर से जब बहुत सारा पानी आ रहा था और मंदिर ढहने वाला था, तो भाई उस टाइम भीमशिला आके और पानी को 2 sides में बांट के और मंदिर की रक्षा की। भाई आप लोग आना ना तो भीमशिला के दर्शन जरूर करके जाना, जो कि मंदिर के एकदम पीछे है। एक बात पता किया, यहाँ पर ना तो गाड़ी वगैरह आ सकती है, ना ही JCB वगैरह आ सकती है, ना ट्रैक्टर वगैरह आ सकते हैं। तो भाई यहाँ पर जिस JCB खड़ी है आप लोग देख रहे होंगे, तो भाई इस JCB को हेलीकॉप्टर से लेके आया यहाँ पर, हेलीकॉप्टर से ऊपर से उड़ा के लेके आया यहाँ पर। तो आप लोग सोच सकते हैं भाई JCB यहाँ पर है फिलहाल तो, बट ये बात सोचने लायक है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि ये JCB वगैरह कैसे आती है, बट ये हेलीकॉप्टर वगैरह से ही लेके आते हैं ऊपर से एकदम। आप लोग कैसे, क्या सीन होता होगा उस टाइम में? यहाँ बैक साइड में, और थोड़ी देर में हम लोग ऊपर जाने वाले हैं भैरवनाथ जी के दर्शन करने के लिए। बैक साइड का कुछ ऐसा सीन है, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पर। और भाई टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है पर सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा अपने आप से। सो गाइस फिलहाल है ना हम लोग जा रहे हैं भाई ऊपर भैरव जी के मंदिर पे, और यहाँ से पूरी केदार घाटी आप लोग दिख जाएगी। और भाई सबसे मेन बात, हम लोग बर्फ़ भी मिलेगी, तो बहुत सारी फ़ोटो खिंचवाऊंगा मैं तो बर्फ़ में। और भाई यहाँ पर बर्फ टेम्परेचर इतना ज़्यादा है भाई, इतना कम है, कम माइनस में इतना कि भाई इतनी ठंड है फिलहाल। तो फिलहाल चल रहे हैं हम लोग, आ जाओ चलते हैं। चलो भाई चलो गाइस, नाक जाम हो गया, पता नहीं लग रहा, हाथ पैर भी है मेरे क्योंकि सब जम पड़े हैं। और आप लोग सोच सकते हो भाई इतनी बर्फ में क्या हाल हो भाई, खून भी जम जाए, पानी थोड़ो भाई कपड़े मैंने पहने, शर्ट वगैरह पहनी है यार। पता है मैं जब रूम से आया था ना, तो मेरे को लगा कि अभी आ गई भाई धूप, और धूप में कोई दिक्कत नहीं है, चलो ऐसे चलते हैं बिना जैकेट, पर मेरे को क्या पता था भाई। इधर देख रहे हो लोग है ना, मजे ले रहे हैं इधर बर्फ के, और भाई जाओ देना, जाओ भाई जाओ 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 भैया जाओ, ये तो भाई कर रहे जाने का, ये हमको भी जाना, आपको जाना, कमान जल्दी, वो पूछ गया भैया, चलिए ना, चलो चलते ऊपर, ऊपर चल के आते हैं। गाइस यहाँ पर आओ ना, तो भाई एक गलती मत करना, बर्फ़ पे ना चढ़ने की कोशिश मत करना। मैं चढ़ गया था वहाँ तक, भाई फिसल तो आया, हाथ में चोट लग गई मेरे, देखो एकदम रेड हो चुका है। तो ये गलती तो आप लोग कभी मत करना है, फिसलने की। और नीचे वो लोग गलती कर रहे हैं ना, वो तो करने दो, पर आप लोग मत करना, क्योंकि भाई लगती है चोट तो इतनी ज़्यादा लगती है कि बताने लायक भी नहीं होती वो चोट कैसी है। चलते जा रहे हैं ट्रैकिंग कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए। सो गाइस अभी फिलहाल हम लोग ऊपर पहुँच चुके हैं लगभग, और ये रहे हमारे भैरव बाबा। और यहाँ पर भाई बर्फ 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 बर्फ, चारों तरफ बर्फ बर्फ है, लोग देखो क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ चढ़ रहे हैं। और यहाँ पर चढ़ने के बाद भाई बिल्कुल हाल हो चुकी है, और भाई यहाँ से पूरी केदार घाटी आप लोग दिख जाएगी, पूरी केदार घाटी एकदम दिखेगी आप लोगों को। फिलहाल हम लोग दर्शन करते हैं, एंड मैं ना थोड़ा ऊपर जाके आता हूँ,
ऊपर बर्फबारी हो रही है, मतलब बर्फ वगैरह है, बढ़िया आराम आराम से जाना पड़ेगा ऊपर। और भाई ऊपर देखते हैं कैसा क्या सीन है। चलो 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 चलो, चढ़ना मुश्किल है उतरना भी मुश्किल है भाई, यहाँ पर पैर रिपटने का खतरा भी होता है। नहीं रखे जा रहे भाई, पैर रिपट रहे हैं और नाक से भाई पानी पानी आ रहा है। और यहाँ पर आने के बाद इस यहाँ का सीन को काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिलहाल हमारे बैठे केदारनाथ बाबा, ओ भाई ओ जन्नत है, क्या हो रहा है भाई। चलो चल के आता हूँ मैं थोड़ा सा ऊपर और फोटो खिंचवा के नीचे चलता हूँ वापस। आने के बाद है ना, एक बात बताऊँ, बर्फ से तो हालत ख़राब है, हाथ देखो, हाथ तो है ही नहीं हमारे, बट भाई यहाँ पर आने के बाद असली मज़ा यार इन बर्फ में। सही बताऊँ गाइस, ऊपर आने के बाद असली फील हो रहा कि हाँ भाई मैं केदारनाथ आया हूँ आज। भाई सही बता रहा हूँ, इतनी ठंड है, -7 डिग्री टेम्परेचर रात को था, और अभी तो टेम्परेचर की बात ही मत करो भाई, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ तो बहुत ज़्यादा, नीचे कम है बट ऊपर जाने के बाद बहुत ज़्यादा है टेम्परेचर। फिलहाल गाइस यहाँ पर आने के बाद मज़ा खूब आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बट आप लोग लाइक नहीं करते यार, कर दो यार कर दो या मतलब कि स्टेंजर रहने दी है, रैंडम मिले थे मेरे को, बट हाँ मज़ा आ गया मिल के। मिनट फिलहाल तो थोड़ी फोटो वगैरह खिंचवा के फिर नीचे चलते हैं, क्योंकि स्नोफॉल होने वाली है, कभी भी हो सकती है स्नोफॉल स्टार्ट, आप लोग बादल वगैरह देख सकते हो, कभी भी स्नोफॉल स्टार्ट हो सकती है। और बर्फ़ में भाई बहुत खतरा भी है यहाँ पर देखो जितना मज़ा आया उतना खतरा भी है देखो। तो अभी थोड़ा निकलना पड़ेगा, तो फोटो वगैरह क्लिक करके निकलते हैं यहाँ से। हर हर महादेव। भाई यहाँ पर आने के बाद बोलने का मज़ा ही अलग आता है भाई, वहाँ बैठे हमारे महादेव। और भाई फिलहाल खून जम चुका है मेरा अंदर से पूरा, जो हाथ है ना वो रेड हो चुका है, मतलब एकदम मतलब बुरी हालत हो चुकी है, बट यहाँ पर आके फिर भी मज़े लेने हम लोगों को। फिलहाल इधर ये, और भाई इधर देखो भैया एक वीडियो बना दो मेरी। ओ भाई सो गाइस अभी भाई नीचे जा रहा हूँ मैं, और भाई यहाँ पर सर्वाइव करना मेरे बस की बात तो है नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही नहीं बहुत ज़्यादा, और मतलब मेरी हाथ नहीं खुल रही है, मेरे हाथ जम चुके हैं फिलहाल। और भाई यहाँ पर रहना बहुत चैलेंजिंग काम है, और चैलेंज मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा अभी तो फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ इतनी ज़्यादा है। और भाई बर्फ़ अरे इनके पास वो है यार पहनने के लिए है, तो भाई आराम से बना पा रहे हैं एकदम मस्त तरीके से। और भाई हाथ नहीं है, हाथ नहीं है थोड़े हो गए फिलहाल, और हाथ खून जम चुके हैं भाई, खून जम चुका है एकदम जम चुका है। तो फिलहाल नीचे चलते हैं, और वो लोग वेट कर रहे हैं मेरा नीचे, और चलते और फिर आराम से घर चलते हैं भाई। यहाँ पर बक्से भी है मेरा गाइस, रियली बता रहा हूँ यहाँ पर आने के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर देखो लोगों ने शिवलिंग भी बना रखी है देखो, वाह क्या मस्त है यार। गाइस एक बात सच्ची बताऊँ, एकदम सच बताऊँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे को फिलहाल रोना आ रहा है। और क्यों आ रहा है भाई, मेरे हाथ तो वजह से हाथ मतलब खून जम चुका है अंदर से, देखो मैं हाथ हिला भी नहीं पा रहा फिलहाल भाई, मैं फ़ोन भी चला पा रहा, मैं फ़ोन वीडियो कैसे बना रहा हूँ मेरे को बताया। ऊपर जाके बहुत बड़ी गलती की भाई मैंने, बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि ऊपर बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, लिमिट से ज़्यादा ठंड है भाई, वहाँ पर इंसान जम जाए ऐसे ठंड है। फिलहाल तो नीचे चल रहा हूँ मैं, और हालत एकदम पतली हो रखी है, चलो चलते हैं नीचे। बिल्कुल सो गाइस अब निकल रहे हैं हम लोग केदारनाथ से वापस नीचे की ट्रैकिंग कर रहे हैं। एंड यार देखो हमारे भैया मिले थे यहाँ पर, और उन्होंने हमको ये कार्ड गिफ्ट किया, मतलब ये सिक्का गिफ्ट किया, बहुत मज़ा आ गया। और फिलहाल हम लोग निकलते हैं यहाँ से और ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। गाइस फिलहाल है ना यहाँ पर स्लो फॉल हो रही है काफ़ी ज़्यादा, बर्फ़बारी और बर्फ़ गिर रही है देखो, तो आसमान डायरेक्ट ज़मीन में बर्फ़ आ रही है, काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई। ये स्नो फॉल देखने को काफ़ी कम मिलती है, और भाई देखो पूरा वाइट हो चुके हैं। और भाई इधर है ये हेलीपैड, और शायद हेलीकॉप्टर बंद हो गए होंगे ना, यात्रा भी बंद हो गई हेलीकॉप्टर की ना। बना दे नहीं यार देखो स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा हो रही है यार, फोन में नहीं लग रही इतनी, बट आंखों से काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। देखो नीचे उतरने के लिए ना हम लोगों ने कुछ ऐसा रास्ता तय किया है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट है, सीधा हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, लगभग 3-4 किलोमीटर बचेगा, बट रास्ता खतरनाक है, सावधानी चलना पड़ रहा है। और मैं एकदम बजरंगी भाईजान का भाईजान लग रहा हूँ भाई, देखो क्या मस्त हो गया है ना। तो फिलहाल सावधानी साथ चलते चलते नीचे उतर रहे हैं, चलो भाई पता है यहाँ से नीचे देखो, और ये लोग और मैं भी यहाँ से ट्रैकिंग करते हुए आ रहे हैं भाई और भाभी। अभी यार देखो स्नोफॉल दोबारा से स्टार्ट होने वाली है, उससे पहले हम लोगों को बेस कैंप तक पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि भूख लगी अभी। आ जाओ भाई आ जाओ आराम से आ जाओ आ जाओ, सुनो मौसम ख़राब हो रहा है, जल्दी चलते जल्दी चल रहे हैं, हाँ चलो आ जाओ।
तो गाइस नीचे हाँ इतनी तेज कूदना नीचे भी जाके आ जाओ। तो गाइस अभी है ना चलते नीचे, कंटिन्यू है ना स्नोफॉल होती जा रही है और हम लोग भी चलते जा रहे हैं सीधा। बट होता नहीं यार स्नोफॉल कब होगी क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग रही है, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रखी है। और मेरे देखो मेरे जैकेट को भी इधर जो मैंने पहन रखा है उसको भी स्नो काफ़ी ज़्यादा लग चुकी है, तो काफ़ी ठंड लग रही है फिलहाल। गाइस देख सकते हो आप लोग जो हम लोग ट्रैक में चल रहे हैं फिलहाल, तो यहाँ पर ट्रैक से यहाँ पर सामान वगैरह ले जाया जा रहा है। देखो ये ट्रैक्टर यहाँ पर चल सकते हैं, देखो ऐसे वाले रास्ते पर भी ये ट्रैक्टर चल रहे हैं देख सकते हो भाई साहब, और इसी ट्रैक्टर से सारा सामान ऊपर नीचे किया जाता है। सो गाइस अभी पता है अभी का क्या सीन है, अभी रात हो चुकी है ठीक है और अभी 9 बजने वाले हैं लगभग, और भाई मैं चला जा रहा हूँ तब से और अभी तक ट्रैकिंग ख़त्म नहीं हुई है। आप लोग सोच सकते हो भाई कितना गंदे हालात हो जाती होगी, बट एक बात यार ऊपर जाके सुकून मिल जाता है, जो हम लोग मेहनत करते हैं ना ऊपर जाके उसका फल मिल जाता है। तो फिलहाल तो मैं चला जा रहा हूँ थोड़ी देर में, मैं लगभग आधे घंटे लगेगा, मैं भी शायद पूछ जाऊँगा आधे घंटे में और उसके बाद आराम करता हूँ चल के। चलो चलते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग सोनप्रयाग पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम लोग को बस मिल जाएगी हमारे घर जाने के लिए, और सोनप्रयाग पहुँचने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुशी लग रही है। इनका चेहरा देखो, दाल चावल खाना है इनको भी जाके। भाई एक बात बताऊँ, यहाँ पर हद से ज़्यादा महंगा था, इनका दिल टूट गया था अभी, भाभी को पूछ रहा हूँ कैसे टूट गया। तो फिलहाल अभी निकलते हैं घर पे और इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, और आई होप कि ये वाला ब्लॉग आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, और काफ़ी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर।